अगेन आई डॉक्टर स्नेहलता ऑन द बिहाफ ऑफ टीमेट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मुरादाबाद टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम अवर स्पीकर रिसोर्स पर्सन इन दिस इंटरनेशनल वेबिनार ऑन द ओकेजन ऑफ 6th इंटरनेशनल योगा डे 2020. सर आई वेलकम मिस्टर सुनील कुमार इज अ सीनियर योगा इंस्ट्रक्टर इलेट फिटनेस इन वियतनाम. He has a 3 years experience in Panchkarma as a therapist. He has also 4 years teaching experience in all advanced and beginner practical yoga classes from Elite Fitness in Vietnam. The man of distinct visions, knowledge and experience and inspiration to all of us is now going to present a very, very effective and informative Hatha Yoga presentation with us. So, sir, welcome. And once again, sir, now start your session. We are very, very, very excited for this session. Let me start. My name is, namaste everyone. My name is Sunil Kumar. I'm living in Vietnam for last 5 years. So today I'm going to teach some advanced technique of Hatha Yoga. Everyone know, as you know, like Hatha Yoga is very similar. There have 15 asana in Hatha Yoga and Hatha Pranayama of Swami Swatmaram. And Gheran Sahita have 32 asana, right? So today I'm teaching advanced Hatha Yoga. So let me start before the sit on any comfortable pose. Okay. Cross leg or simple Sukhasana, cross leg like this. You can sit like this or Padmasana lotus pose or any Vajrasana. You can also sit the Dishasana. Very effective for your back. Automatic your state your back. इसमें आपको कुछ नहीं करना है. पीछे दोनों घुटनों को पैरों को पीछे मोड़ के घुटने आगे रहेंगे. अगर कहीं आपके नी में प्रॉब्लम है सो आप टॉवल यूज कर सकते हैं या मैट. या आजकल आपको कुछ दिखा दे यहाँ पे कुछ जो विदेशों में चल रहा है नी कैप. ते नी कैप भी बोलते हैं नी इक्विपमेंट और नी से इसको आप लगा के रख सकते हैं. तो क्या होता है इसको आप में नी में इंजरी है तो कोई पेन और कोई समस्या नहीं होती. आप एडवांस योगा करने जा रहे हैं कोई एडवांस आसना करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी. तो इसलिए यहाँ पे आजकल आप दिखा दे यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट भी है. तो पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इक्विपमेंट दिखाने के बारे में बताना चाह रहे हैं. और उसके पहले एक और बातें जो चल रही है कोविड-19 का उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि हम बता दें यहाँ का एक्सपीरियंस जो रहा है यहाँ एकदम अब नॉर्मल हो गया है. कोविड कोई कोरोना वायरस का कोई अफवाह या कोई कुछ नहीं है एकदम नॉर्मल है. और पिछले 2 महीने पहले जब स्टार्ट हुआ था केसेस यहाँ पे बहुत लो केसेस था यानी कि स्टार्ट हुआ था सिर्फ 1-2 से ज्यादा बढ़ते बढ़ते जो गया जो पीक पे आया सिर्फ 50 और ज्यादा से ज्यादा लास्ट में गया 400 जो 400 गए 492 हुए लास्ट में. उसके बाद सारे सही भी होते गए 200 सही हुए फिर 400 सही हुए. तो आप एकदम पूरे सही भी हो गए एक भी डेट नहीं हुई वियतनाम में. तो सबसे अच्छी बात उसका पूरा श्रेय जाता है अपने योग फिटनेस को लेकर. तो यहाँ पे जो फिटनेस अवेयरनेस है बहुत ही ज्यादा है. लोग सुबह उठ के 5:30 बजे भी क्लास होती है 5 बजे भी होती है. जो रूटीन है यहाँ का बहुत ही सुबह है वो लोग सब उठ के अपने आते हैं उसके बाद अपना सारा रूटीन फॉलो करते हैं. लेकिन पहले योगा पहले फिटनेस पहला चीज उनका यही है फिटनेस. तो यहाँ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है फिटनेस को लेकर तो इसलिए वो स्वस्थ है. इसीलिए कोरोना का कोई ज्यादा महामारी यहाँ पे नहीं हुआ. यहाँ पे एकदम नॉर्मल है. हम क्लासेस टीच कर रहे हैं आज मेरा ऑफ डे तो हम यहाँ आपके साथ हैं. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है हम बता दें. और अपने भारत में मुझे सुनकर बहुत दुख प्रकट कर रहा हूँ अपने हृदय से. मैं यहाँ से अब कुछ कर भी नहीं सकता. ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प कर सकता हूँ पीपल लोगों पर. बाकी यहाँ से हम उनको शांति प्रदान कर सकते हैं जिन जिनके घर में डेथ हुई है और जो भी कोरोना से वायरस से ग्रसित हैं उनके लिए. बस तो मैं आपको कुछ इक्विपमेंट दिखाना चाह रहा था. ये आपके नी के सेफ करने के लिए है प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया ये नी कैप यहाँ पे बहुत
ज्यादा रूप में सब लोग यूज करने लगे आज के, बाकी टॉवल तो पहले यूज करते, टॉवल में क्या होता कभी मुड़ जाता है ज्यादा कम बेसी हो जाता है जिसके कारण इनबैलेंस हो जाता है नी। ये आपको परफेक्ट बनाया गया है, नी बीच में आपको सॉफ्ट दिया गया है, नी आराम से फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये नी सिर्फ के लिए है, बाकी आप लोग इससे इसको भी जानते हैं व्हील, व्हील भी यूज करते हैं बैक बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी मोबिलिटी के लिए, बैक स्पाइन के लिए, तो ये भी यूज करते हैं। और साथ में ब्लॉक भी है, ब्लॉक में कहीं हम क्या होता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो हम हाथ पीछे ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं, तो क्या होता है ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम पीछे जैसे किसी आसन को तो यहाँ पे रख के ऊपर उठा रख सकते इजी कर सकते हैं, इसको सपोर्ट में लेते हैं। तो ब्लॉक भी है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, और ये स्ट्रैप स्ट्रैप को भी कहीं हम हमारा हाथ नहीं पहुंच पा रहा, हमारी बैक में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं कोई एक आसन दिखा दे रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, किसी किसी के बहुत बिगनर हैं उनके दर्द भी है और बिगनर हैं तो वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉवल भी यूज करते हैं पर ये ज्यादा आसानी होता है पकड़ने के लिए और मजबूत भी है, तो ये दोनों इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉरवर्ड बेंडिंग। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और इक्विपमेंट है जो हम फ्लेक्सिबिलिटी में यूज करते हैं। तो अब ज्यादा समय न लेके हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जो हाथा योगा डायनामिक और एडवांस के साथ है। सो सिट ऑन एनी कंफर्टेबल पोज लाइक सुखासना, लोटस पोज, हाफ लोटस पोज। तो मैं सिट इन लाइक लोटस पोज एंड बोथ पाम पुट ऑन चीन मुद्रा, पुट ऑन योर ओवर योर नीज, दोनों हाथों के चीन मुद्रा बनाकर अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और रिलैक्स रिलैक्स योर शोल्डर, अपने शोल्डर को ढीला छोड़ के बैक स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी पहले सांस लेंगे एक से तीन बार, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल कोई यदि साथ में करना चाहे साथ में कर भी सकते हैं और नहीं तो देख सकते हैं कैसे हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं और अपने इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएं साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं विद थ्री टाइम्स ओम चैंटिंग, रिलैक्स योर आर्म्स, रिलैक्स योर माइंड, पीसफुल माइंड, मिनिमाइज योर थॉट, इफ एनी थॉट इज कमिंग सो लेट देम कम, if any thought is going so let them go, do not control your thought yourself, let them come, let them go, if you feel tightness in your body so let them relax with exhale, relax your whole body, bring your awareness at your whole body, prepare yourself for asana practice, relax your whole body. And now three times om chanting with inhalation, take a breath, inhale, inhale,
Inhale. Inhale, exhale. Relax. Bring your breath normal. Relax your body. Relax your mind. Slowly join the palm together. Drop your palm. Raise your palm on the eyes. Eyes muscle. Forehead, cheek, neck. Put on the eyes. Eyes muscle under you. Slowly open your eyes under your palm. Slowly palm down. Namaste. So let's start the class with the before class warm up. Need to warm your body. If you want like advanced asana, go to the advanced. So before, you need to practice warm up. You need to practice more warm up. If you warm body more, so you can go advanced very easy. And here is a four. मैं आपको चार principle बता रहा हूँ योगा का जो important है आपको. If you are beginner, so need more important. यदि आप बिगिनर हैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो करने वाले हैं उनके लिए भी है और जो जानते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है. तो चार प्रिंसिपल जो है, एक तो आपको लेंथनिंग जो भी प्रैक्टिस करना है, वार्म अप भी कर रहे हैं तो आपको लेंथनिंग योर स्पाइन होना चाहिए पहले. कोई भी, यदि आप फॉरवर्ड बेंडिंग जा रहे हैं तो बैक जाना है, और यदि साइड जाना है तो दोनों साइड जाना है. उसके पहले एक लेंथनिंग प्रैक्टिस करना है. यदि मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो एक फॉरवर्ड गया, उसके बाद कम विद लेंथनिंग स्पाइन स्ट्रेट करके फिर बैक बेंडिंग में जाना है. अब दूसरा जो हमें साइड में जाना है, एक साइड हमने बेंड किया तो दूसरे साइड के लिए हमें पहले प्रिपेयर करना है बॉडी को लेंथनिंग करके, स्पाइन को स्ट्रेट करके खींच के ऊपर फिर दूसरे साइड से जाना है. तो इसका यह मतलब है कि कोई आपको बैक में इंजरी नहीं होगी, कोई नर्व्स कोई कंप्रेस नहीं होगा जिसके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ये आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपको लेंथनिंग में आना ही है. एक पोस्चर के बाद एक फॉरवर्ड बेंड के तो एक लेंथनिंग आना है. तो दूसरा चीज क्या है, दूसरा ये पहला चीज था लेंथनिंग के साथ. दूसरा आपको फोकस करना है ब्रीथ पे. जो आप सारे लोग, आप सब जानते हैं योगा हम कर रहे हैं पिछले 20 सालों, सब लोग कर रहे हैं 15 साल, कोई 10 साल एक्सपीरियंस, कोई 5 साल का, कोई अभी बिगिनर है, स्टार्ट ही करने वाला है. तो सबके लिए है कि दूसरा चीज है आपको फोकस अपने ब्रीथ पे रखना है. कहीं माइंड आपका माइंड इतना चंचल है कि तुरंत भागता है, तो क्या करना है, हमें ब्रीथ पे फोकस करना है. जब सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है. एक तो नॉर्मल सांस चलती है जो हम दिन भर चलते रहते, तो ऑटोमेटिक होता है. प्लस जो हम यहाँ आसन में करेंगे तो वहां हमें फोकस करना है. इसलिए हम बार बार यहाँ इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि तो फोकस करें, माइंड को वहां रखें हम इनहेल विदाउट, बस सांस लीजिए नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन इनहेल और बोलते हैं फोकस. सो दूसरी चीज है फोकस करना है ब्रीथ पे. और तीसरा चीज है क्या, तीसरा चीज है आपका मसल्स. जो भी मसल्स स्ट्रेच हो रहा है, टाइट हो रहा है या खींच रहा है, जो भी हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो आप उसको फील करें तीसरी चीज. और चौथा चीज है आपका अलाइनमेंट सही होना चाहिए. तो ये चार बातों का बहुत विशेष ध्यान में रखते हुए फिर हम आप आसन करें.